दोस्तों, पिछले साल आपने ऐसे कई मामले देखे। आगरा में आपने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो क्रिसमस मनाने को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। अहमदाबाद में आपने देखा कि एक शख्स जो कि सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना हुआ था उसे दौड़ाया गया, मारा गया। आपने असम में देखा किस तरीके से क्रिसमस मनाने को लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब जो खबर है वो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। अगर स्कूल में किसी भी बच्चों को सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनाया जाता है या फिर क्रिसमस के ट्री वाला ड्रेस पहनाया जाता है या फिर किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है अगर बच्चों को, तो इस स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो इस खबर को आप जरा गौर से सुनिए। द ललन टॉप ने इस खबर को लेकर क्या लिखा है। द ललन टॉप ने लिखा है, क्रिसमस के मौके पर अगर स्कूल के बच्चों को सेंटा क्लॉज वाले कपड़े पहनाए तो कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले, मध्य प्रदेश के शिक्षा अधिकारी ने कुछ ऐसा ही आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक अगर किसी स्कूल के बच्चों को क्रिसमस से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों के लिए लागू होगा। आगे लिखा है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाटक या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए बच्चों को सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री जैसे पोशाक पहनाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीते 14 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने ये आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि माता पिता की लिखित सहमति के बिना छात्रों को क्रिसमस से संबंधित कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसमें सेंटा क्लॉज या ट्री जैसे कपड़े या फिर एक्टिंग करवाना ये भी शामिल होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले यानी कि अगले साल मैंने आपको तीन खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा अहमदाबाद में एक शख्स जो कि सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना हुआ था उसे लोगों ने दौड़ा दिया। उसके बाद आपने असम में भी देखा था कि ऐसा ही कुछ मामला हुआ था जहां पे बजरंग दल और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंटा क्लॉज को लेकर, क्रिसमस को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद आपने आगरा में भी यही देखा। आगरा में भी आपने देखा, अगले साल मैंने आपको दिखाया था कि क्रिसमस से पहले यही होने लगा था वहां पे कि अगर कोई क्रिसमस मनाता हुआ दिखा या फिर ऐसे कोई ऐसा एक्ट करता हुआ दिखाई दिया या फिर क्रिसमस से संबंधित कोई भी काम, तो वहां पे उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया गया, सेंटा क्लॉज का पुतला तक जलाया गया। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में निर्देश जारी किया गया है कि अगर बच्चों को कुछ भी कराया जाता है क्रिसमस से संबंधित तो पहले माता और पिता की सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं हर साल क्रिसमस से पहले ऐसी खबरें जो आके आपको सुनने को मिलती है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।